आज हम बात करेंगे एडल्ट वैक्सीनेशन का। पहले बात करेंगे वैक्सीनेशन क्या है। वैक्सीनेशन जब भी कोई टॉक्सिक सब्सटेंस और किल्ड ऑर्गेनिज्म किसी के बॉडी में इनोकुलेट करके जब एंटीबॉडीज बनाते हैं जो उस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में काम करता है, जो हमारे बॉडी में उस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में इम्यूनिटी प्रदान करता है, उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन। एडल्ट वैक्सीनेशन में जनरली उनके लिए ज़रूरी है जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं या जिनको मल्टीपल कोमोबिडिटीज़ हैं, क्रॉनिक डिजीजेज हैं, क्रॉनिक बीमारियां हैं, उनके लिए ज़रूरी है। जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट है फ्लू वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, MMR, DPT, हर्पीस जोस्टर वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, ये एडल्ट वैक्सीनेशन के लिए रिकमेंडेशन मिला हुआ है। अगर कोई भी मरीज़ इन बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप एक बार अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लेंगे और उनके आदेशानुसार इन वैक्सीन जो वैक्सीनेशन की रिक्वायरमेंट होगी आप वो वैक्सीन लेंगे। कुछ लोगों में एक मिथ फैली हुई कि वैक्सीनेशन लेने के बाद कुछ ज़्यादा खतरनाक बीमारी होता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है वैक्सीन लेने के बाद आपको फीवर थोड़ी हो, बॉडी एक हो सकता है, कभी कभी जहाँ वैक्सीनेशन साइट है वहाँ पे एक छोटा मोटा घाव बन सकता है, तो उससे घबराना नहीं है, ये अपने आप ठीक हो जाएगा और आपकी बॉडी को प्रॉपर इम्यूनिटी देगा।